आज हम एक अलग तरीके से सनई फूल की सब्जी बनाएंगे। एक तरह से हम बनाए हुए हैं जो कि आप लोग देख चुके हैं, उसमें बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला। तो हम एक तरीके से और घर पे बनाते हैं, तो तरीका आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। और जो पहले हम बनाए हुए थे, अगर आप लोग नहीं देख पाएंगे तो हम इस वीडियो के बगल में लगा देंगे, आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले हम सनई के फूल को थोड़ा सा हाथों से मल के, पछोर के, बीन के इन्हें तैयार कर लेंगे। इसमें से जो डंठल वगैरह होते हैं उन्हें निकाल लेंगे। घर पर बोने का यही फायदा होता है कि हफ्ते में 1 किलो आधा किलो सनई के फूल निकल जाते हैं। तो गांव में अगर जगह है तो आप लोग 20-25 पेड़, 30 पेड़ बो दीजिए, बहुत ही बढ़िया इस तरह से निकल जाता है। देखिए लगभग 30-35 पेड़ था और उसी में से 1 किलो तक फूल निकला हुआ है। हफ्ते में एक बार दो बार निकल ही जाता है खाने के लिए। तो इस फूल में जितने डंठल हैं इस तरह से डंठल को हम निकाल देंगे। और ये जो फूल है, फूल में कभी कभी कीड़े मकोड़े थोड़े आ ही जाते हैं। फूल जितना फूल होता है अक्सर फूल में होते ही हैं। तो इन्हें हम हाथों से थोड़ा सा ऐसे मसल के और इन्हें पछोर के, बीन के तैयार कर लेते हैं। तो सभी हम सनई के फूल पछोर के, बीन के तैयार कर लिए हैं। अब जितना बनाना है हम उतना ले लेते हैं, बाकी के रख देते हैं, बाद में इसे बनाएंगे। तो जितना हमें बनाना है बस उतना ही हम धोएंगे और इन्हें हम धो के तैयार कर लेते हैं। अब इसका हम पानी अच्छे से निकाल लेंगे। सब्जियों को धो लिए हैं, अब इसके हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो सनई के फूल की सब्जी बनाने के लिए सभी सामग्रियां हम तैयार कर लिए हैं, चलते हैं बनाएंगे। तो थोड़ा सा सब्जी टेस्टी बनेगी इसके लिए थोड़ा सा तेल हमें ज्यादा लेना होगा। लगभग 100 ग्राम तेल हम लिए हुए हैं। तेल थोड़ा सा गर्म होते ही लगभग 1 चम्मच हम जीरा लेंगे, जीरा से तड़का लगाएंगे। 1 गांठ लहसुन बारीक कटा हुआ, इन्हें भी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा सुनहरा होने देंगे, लहसुन थोड़ा सा सुनहरा हो गया है। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज के प्याज हम लिए हुए थे, बारीक काट लिए हैं। तेज आंच पे हमें प्याज को फ्राई करना है। थोड़ा सा प्याज भी सुनहरा हो गया है। अब इसमें जाएगा बारीक कटे हुए हरी मिर्च, यहाँ पे हम 2 से 3 हरी मिर्च लिए हैं बारीक कटे हुए। इन सभी मसालों को थोड़ा सा सुनहरा करके इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए लाल टमाटर, 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं, इन्हें हम डाल देते हैं इसमें। सभी मसाले थोड़ा सा पक गए हैं, टमाटर भी थोड़ा सा गल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इन्हें हम चलाएंगे। हल्दी थोड़ा सा पक जाने पे अब इसमें हम तुरंत डालेंगे सनई का फूल धो के जो हम रखे थे। थोड़ा सा भी पानी इसमें ना होना चाहिए, देखिए कितना सूखा है, कितना अच्छा है, इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं है। ऐसे ही हमें सनई धो के रख लेना है गार के, ताकि इसमें पानी थोड़ा सा भी ना हो। अब इसे हम चलाएंगे थोड़ा धीरे धीरे, आराम से, आसानी से हम चलाएंगे। और जैसे जैसे गर्म होता जाएगा कम होता चला जाएगा। इन्हें हम अच्छे से उलट पुलट के चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो लगभग 3 मिनट तक बीत चुके हैं और देखिए सनई फूल गल के कितना कम हो गया है। ऐसे हम बराबर चलाते हुए पकाए हुए हैं। अब इसमें हम कुछ खास चीज डालने वाले हैं, वो है मुर्गी का अंडा। तो अंडा और सनई के फूल की भुजिया सब्जी हम बनाएंगे एकदम नए तरीके से, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। नया नहीं है, हम लोग कई बार बना खा चुके हैं, तो आज आप लोगों के सामने भर शेयर कर रहे हैं। तो जितना अंडा में हमें बनाना है, 2, 3, 4, 5 आप जितना बना सकते हैं, ले सकते हैं उतना ले लीजिए। यहाँ पे हम 5 अंडा बनाने वाले हैं भुजिया सब्जी इसकी सनई फूल के साथ।
इसमें हम अंडा डाल देंगे इस तरह से, 5 अंडा तोड़े हुए हैं। अब इन्हें हम धीमी आंच पे चलाएंगे और धीमी आंच पर ही हमें इसे पकाना है, नहीं तो तवा या कढ़ाई जो भी रहेगा नीचे से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब अंडा डालें इसमें तो धीमी आंच कर लेना है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और साथ में हम कुछ मसाले डालेंगे, लगभग 2 चम्मच हम मसाले लिए हुए हैं। घर में जो भी मसाले हैं, सब्जी मसाला, कोई अच्छा टेस्ट वाला सब्जी मसाला हो वही आप इसमें यूज करिए। और इस तरह से इसे हम चलाते हुए धीमी आंच पे पकाएंगे, लगभग 5-7 मिनट तक चलाते हुए इन्हें हमें पकाना है। अब इन्हें हम अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे और धीमी आंच पर ही हमें भूनना है इन्हें। तो अंडा डालने के बाद 5-7 मिनट तक इसे हम चलाते हुए पका लिए हैं और बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार है। अब इसे हम उतार लेते हैं। इसे ज़्यादा टाइम तक या तेज आंच पे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी खर हो गया तो खाने का स्वाद चेंज हो जाएगा। अब ये इस वक्त तो एकदम मस्त है, इस तरह से एकदम मुलायम है। बस तुरंत हम इसे अब उतारेंगे मीडियम आँच पे, 7-8 मिनट तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसे हम उतार देते हैं। तो लीजिए सनई के फूल और साथ में अंडा की भुजिया, दोनों मिक्स सब्जी बनके तैयार है। अंडा और सनई के फूल की भुजिया सब्जी एकदम टेस्टी और लाजवाब। लीजिए खाइए, आप इसे पराठा पूड़ी रोटी के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। इसे हम परस देते हैं खाने के लिए। तो लीजिए सर्व कीजिए पराठा और अंडा सनई फूल की भुजिया सब्जी। तो सनई के फूल और अंडा की भुजिया सब्जी का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो हमारे चैनल पे, जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।